अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समंदर की गहराइयों से और बुर्ज खलीफा की ऊंचाइयों से फूलों के गुलदस्ते के साथ वेलकम है आप सबका। और देखें जी आज हमारे साथ कौन बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम जी राशिद भाई, होश रहे आपकी तबीयत? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम फैसल भाई। ये भाई मेरे कराची से हैं जी। कराची मेरा बड़ा फेवरेट शहर है क्योंकि मेरे ससुराल वाले वहीं रहते हैं। कराची देने मेरे सोरे भाई जी, मेरे ससुराल वाले ना वो कराची देने बड़ा कुछ करना पैंदा है, ना चाह के भी बहुत कुछ करना पैंदा है क्योंकि मेरे ससुराल वाले वहीं रहते हैं। तो एक खूबसूरत शेर, अक्सर लोग कहते हैं कि लो जी तेरे को एक ही शेर है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शेर है और एक शेर नहीं बहुत ज़्यादा शेर हैं। और ये इनकी फरमाइश है राशिद भाई की कि ये शेर सुनाना है। और वो एक वो जो थे वो दाढ़ी वाले जिनसे बात हुई उनका नाम फिशिंग एंड आउटडोर फन भाई फरहान भाई, हमारे फरहान भाई, फरहान भाई के साथ मुलाकात हुई है अभी टेलीफोन पर। उन्होंने ये स्पेशल कहा है कि ये शेर कहना है कि जो मांगू दे दिया कर ज़िंदगी, कभी तो मेरे बाप जैसी बन जा, और जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते। देखा मैंने बाबा से अमीर कोई शख्स नहीं देखा, बाप के बाद खुद ही है सबसे बचना। मैं नागन डांस नचना, मैं ना मेरे सोरे कराची ने ना, मैं नागन डांस नचना। ये राशिद भाई का चैनल है व्लॉग विद वेल, ये इसका मतलब क्या? व्लॉग विद वेल का मतलब व्लॉग्स, यानी कि व्लॉग्स हैं और विद वेल अच्छे वाले व्लॉग्स, विद वेल यानी कि वेल यू मैरी मी, वो व्लॉग विद वेल। इसको आपने लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। खुश रहे, आबाद रहे राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। साबर भाई की नाम से उन्होंने फिशिंग एंड आउटडोर में सैयद फरहान भाई, सैयद फरहान भाई शाह जी साढ़े लिए दुआ करना, अल्लाह आपको सलामत रखे सबको। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप दिली ख्वाहिश थी फैसल भाई से मिलने की, और ज़िंदगी रही और अच्छा वक्त आया तो इंशाल्लाह सज्जाद भाई से भी, फरीद भाई से भी और लोगों से भी इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। इन्होंने अपना जो कीमती वक्त दिया मुझे यकीन नहीं आ रहा, कुदरती तौर पे हम लोग इस इनके घर के पास से गुजरे तो मेरे कज़न साथ में थे, उन्होंने मुझे बताया कि फैसल नामी भाई का घर इधर है, तो हमने इनके घर पर रब्ता किया। और स्पेशल बात ये कि इन्होंने मुझे टाइम दिया माशाल्लाह से, अपना कीमती वक्त दिया। फैसल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। आमीन आमीन जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।